अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि आप लैंग्वेज में 50 मार्क्स स्कोर करके भी आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो स्कोर, इस वीडियो में हम जानने वाले। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप लैंग्वेज में अगर आपका कोई सब्जेक्ट है उसमें अगर आपका सिर्फ 50 मार्क्स आया तो भी आप जो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 95% आ सकता है। तो वो किस प्रकार आएगा तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 6 जो सब्जेक्ट है 10th स्टैंडर्ड का मैंने लिख कर रखा है, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। मान लो कि अगर आपका मराठी में 100 में से सिर्फ आपका जो मार्क्स है वो सिर्फ 50 मार्क्स आया, और जो इंग्लिश है इंग्लिश में आपका जो 100 में से 92 आ गया, और जो हिंदी है हिंदी में आपको 95 मार्क्स मिल गए, और मैथ्स मैथ्स में आपको 98 मिला, साइंस में आपको 96 मार्क्स मिला, और सोशल साइंस में आपको 94। तो आप देख रहे होगे कि इसमें सबसे कम मार्क्स किस में मिला है, तो आपका जो जवाब है वो है मराठी। सही, मराठी में आपको कितना मिला है, सिर्फ 50 मार्क्स मिला है। लेकिन जब आप इसका ओवरऑल मार्क्स निकालोगे तो आपका 95% मार्क्स निकल सकता है। तो वो कैसे निकलेगा तो चलिए देखते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो 10th स्टैंडर्ड है इसमें जो बेस्ट ऑफ 5 का रूल है, इसका मतलब यह है कि जो टोटल जो आपके 6 सब्जेक्ट है उसमें से जो एक जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स मिला है उस सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं गिना जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे इसमें आपको मराठी में सबसे कम मार्क्स मिला है, 50 मार्क्स मिला है, तो आपका जब रिजल्ट बनेगा तो ये जो मराठी है इसका मार्क्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब इस जो मराठी का जो 50 मार्क्स मिला है, 50 मार्क्स मिला है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये जो 5 जो सब्जेक्ट है इन्हीं के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो अभी आप इसका टोटल करो कितना होता है, 5 + 2 = 7, 7 + 8 = 15, और ये 10, तो हो गया यहाँ 5, फिर यहाँ पर 9, इसका टोटल हो जाएगा कितना, 45 और प्लस 2 47, तो टोटल कितना हो रहा है 475 मार्क्स। तो 5 सब्जेक्ट का टोटल आप करोगे तो कितना होता है, एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स, मतलब 500, टोटल 500 मार्क्स हो गया। तो आपको 500 में से कितना मार्क्स मिला है, 475। इसका मतलब ये है कि आपको कितना परसेंट आपका हो रहा है, आपका टोटल 95% हो रहा है। तो इस प्रकार आपको मराठी में सिर्फ 50 मार्क्स मिला लेकिन तो भी आपका जो ओवरऑल परसेंटेज वो 95% निकल कर आ रहा है। तो अगर बाय चांस अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आपका उसमें अगर कम मार्क्स भी आएगा तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज निकलेगा वो सिर्फ 5 जो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट है उसी से बनकर निकलेगा। तो आपको मैंने बता दिया कि मराठी में अभी इसमें 50 मार्क्स आया है तो भी 95% आ रहा है। ऐसे ही किन्हीं स्टूडेंट का अगर इंग्लिश कमजोर है तो अगर इंग्लिश में थोड़ा कम मार्क्स आ गया लेकिन तो भी उनका परसेंटेज है वो डाउन नहीं होगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने समझा कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट लैंग्वेज में मार्क्स कम भी आता है तो भी आपका जो रिजल्ट है परसेंटेज वो अच्छा ही आएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें बेस्ट ऑफ 5 का रूल है। तो इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।